हेलो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी है राइस कटलेट्स, एक और झटपट बनने वाली स्नैक्स की रेसिपी। तो चलिए देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा। राइस कटलेट्स बनाने के लिए हमें चाहिए एक कप पके हुए चावल। जब भी आप चावल बनाते हैं तो जो बच जाते हैं वो चावल आप इस रेसिपी में यूज़ कर सकते हैं। फिर मैं इसमें डालूंगी एक मीडियम साइज़ का उबला हुआ आलू, एक मीडियम साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज, दो हरी मिर्ची और एक इंच लंबा अदरक का टुकड़ा इस तरह बारीक कटा हुआ। मसालों में हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून के तकरीबन हल्दी पाउडर इसमें डालें, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची का पाउडर, ये आप स्किप कर सकते हैं अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो, जीरा का पाउडर यानी क्यूमिन पाउडर, नमक स्वादानुसार, चाट मसाला इसको थोड़ा सा टैंगी फ्लेवर देने के लिए। और अब हम इसमें डालेंगे बेसन, तो 3 टेबलस्पून के तकरीबन मैं इसमें बेसन ऐड करूंगी। इसकी जगह आप कॉर्नफ्लावर भी ऐड कर सकते हैं। और अंत में हम इसमें डालेंगे धनिया के पत्ते। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। अगर आप इसको हाथों से मिक्स करेंगे तो ये अच्छे से जो चावल के टुकड़े हैं वो मैश हो जाएंगे और वो बहुत अच्छे से डो की शेप ले लेंगे। तो इसलिए मैं रेकमेंड करूंगी कि आप इसको हाथों से अच्छे तरह इस तरह मसल कर इसका डो बना लें। चेक करने के लिए थोड़ा सा डो अपने हाथों में इस तरह लेकर रोल करें और एक पैटी की शेप देकर उसको चेक करें कि ये अच्छे से जुड़ रहा है। अगर तो ये अच्छे से शेप ले रहा है एक पैटी की या कटलेट की, तो दैट मीन्स हमारा डो बिल्कुल रेडी है। तो ये देखिए, ये पैटी एक अच्छे से बन चुकी है। अब मैं इसी तरह बाकी जो पैटी थे उनको भी बना लूँगी। शेप आप कोई भी दे सकते हैं, राउंड या फिर ओवल, जो भी आपको कटलेट की शेप चाहिए उस शेप में आप इसको रोल कर लें। ये देखिए फ्रेंड्स, ये सारे कटलेट्स इस तरह मैंने तैयार कर लिए हैं। इनको थोड़ा और क्रिस्प बनाने के लिए अब मैं इनको कोट करूंगी ब्रेड क्रम्स के साथ। ये मैंने मार्केट से बने हुए ब्रेड क्रम्स लिए हैं, तो इनको इस तरह एक कटलेट को ब्रेड क्रम्स के ऊपर रख के इस तरह, तो ये हर तरफ इनको कोट कर देंगे इनसे। ये हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि जब हम इनको फ्राई करेंगे तो इनके जो आउटर लेयर होगी बहुत ही क्रिस्प बनेगी। तो इसीलिए एक एक करके सारे आप कटलेट्स को इस तरह कोट कर लें। आप चाहे तो घर पर भी ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं, उसकी रेसिपी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो ये देखिए, ये हमारे कटलेट्स अब फ्राई होने के लिए रेडी हैं। आप इनको डीप फ्राई कर सकते हैं, लेकिन आज हम इनको शैलो फ्राई करेंगे। तो एक नॉनस्टिक पैन को अच्छे से गरम कर लें, उसमें 2 से 3 टेबलस्पून तेल गरम कर लें। तेल गरम हो जाने पर एक एक करके सारे जो कटलेट्स हैं उनको इस तरह रख दें। तो ये देखिए, अब इनको 2 से 3 मिनट के लिए हम इसी तरह पका लेंगे मीडियम फ्लेम पर। उसके बाद हम बड़े ही ध्यान से इनको पलट देंगे ताकि ये दूसरी तरफ से भी अच्छे से क्रिस्प हो जाएं। तो इसी तरह पलट पलट कर हम इनको 2 से 3 बार इनको 2-2 मिनट के लिए इसी तरह पका लेंगे हर तरफ से। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये कटलेट दोनों तरफ से अच्छे से गोल्डन हो चुके हैं, बहुत ही क्रिस्पी लग रहे हैं। तो अब इनको मैं एक किचन टॉवल पे निकाल लूँगी इस तरह, और जो बाकी के बचे कटलेट्स हैं उनको भी मैं थोड़ा सा तेल डालकर फिर से इसी तरह शैलो फ्राई कर लूँगी। सर्व करने के लिए इसको थोड़े से कटे हुए धनिया और प्याज के साथ और केचप या फिर मिंट कोरिएंडर चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। चटनी की सारी रेसिपीज़ आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की रेसिपी राइस कटलेट्स। है ना मज़ेदार तरीका बचे हुए चावल को यूज़ करने का। तो ऐसी और रेसिपीज़ के लिए देखना ना भूलें हॉबी लॉबी। मिलेंगे अगले वीक एक और नई रेसिपी के साथ। टिल देन, बाय बाय।